हेलो एवरीवन, कुक विद रूबी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेसन के लड्डू बनाने की विधि बताएंगे, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही टेस्टी, बट एक ट्रिक से। अगर वो ट्रिक से आप बनाते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि वैसा लड्डू आपने पहले नहीं खाया होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दो कप हमने बेसन ले लिया है। बेसन हमारा मोटा होना चाहिए, क्योंकि पतले बेसन से कभी भी लड्डू अच्छा नहीं बनता है, इसलिए हम बेसन मोटा लेंगे। और अगर आपके पास बेसन मोटा नहीं है तो आप घर में चने की दाल से मिक्सी में चला के आप मोटा बेसन पीस सकते हैं, और अच्छा पीस सकते हैं उसको। 1.5 डेढ़ कप हमने बूरा लिया है, एक कप घी है, मगर पूरा घी नहीं लगेगा, थोड़े से नट्स और इलायची पाउडर। नट्स को हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, और इलायची को खोल लिया है मैंने, इसको शुगर के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम घी को पैन में डालते हैं, मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो रहा है, बस बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, फ्लेम हमको हमेशा लो रखना है। इस पूरे ट्रिक में दो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। एक तो है कि कोई भी कहीं पे भी आपको हाई नहीं करना है, मीडियम में भी कभी कहीं मैंने आपको मीडियम करने के लिए बताया है, हर जगह आपको लो फ्लेम पे बनाना है। अभी पूरा हमने लो में ही बनाना है। ये जो लो मीडियम से बनाएंगे आपके बेसन का लड्डू का जो बेसन के लड्डू का जो टेस्ट आएगा, बिलीव मी, इतना टेस्टी कि जो भगवान के प्रसाद में मिलता है, बस वैसा ही लड्डू आपको मिलेगा। तो इसको भूनते जाएंगे, बिल्कुल लो किए हैं हम, और उसको भूनेंगे लगातार चलाते हुए। बर्न नहीं होना चाहिए, वैसे लो रखेंगे तो हम बर्न होगा भी नहीं। भूनते जाएंगे, अब देखिए काफ़ी भुन गया है। बेसन को ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि बेसन के लड्डू येलो ही अच्छे लगते हैं, तो ऑलमोस्ट। और बेसन के लड्डू में हम घी भूनते वक्त क्यों ज़्यादा डालते हैं, लम्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो फिर वो कच्चे का स्वाद आएगा। तो इसको बिल्कुल, हमको जितना घी लिया है, हमने पौना कप घी लगा है मेरा, पूरा घी नहीं लगा है, एक कप हमने लिया था लेकिन पौना कप हमारा घी लगा है, इतना डाल, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपके बेसन और घी का बिल्कुल ऐसा होना चाहिए टेक्सचर, मतलब लगना नहीं चाहिए कि बेसन अलग है और घी अलग। अब देखिए मेन ट्रिक क्या है, हमने इसमें क्या डाला है, 1 teaspoon पानी। इस पानी को जब लो फ्लेम रहेगा, भूनते रहेंगे, ये झाग आना चाहिए जो इसमें आया है, ऐसे ही 1 spoon पानी डालेंगे, फिर लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, एकदम मीडियम फ्लेम पे आप इसको चलाइए, यहाँ पर फिर लो कर दीजिए, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना है। देखिए फिर हमने 1 spoon पानी डाला, 1 spoon नहीं है, 1 teaspoon है, नॉट फुल स्पून। इसमें फिर से हमने पानी डाला, फिर हम इसको भुनेंगे। जब येलो हमारा बेसन हो जाता है तब से हम स्टार्ट करेंगे पानी डालना, और कम से कम हम 4-5 times पानी डालेंगे, बस वही टीस्पून हल्का सा डालेंगे, फिर भुनेंगे, फिर डालेंगे, फिर भुनेंगे। ये इससे आपका जो दानेदार बेसन होगा वो लड्डू में, उसका टेस्ट ऑसम होगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। मेन ट्रिक इसमें दो ही हैं, एक इस टेक्सचर में, इस स्टेज पे आके हमको पानी डालना है, सेकंड आपको इसका फ्लेम जो है एकदम लो रखना है। अभी हमारा इसमें फिर से हम पानी डालेंगे, फिर एक थोड़ा ठंडा करके फिर पानी डालेंगे, फिर देखिए डाल दिया, लो पे कर दिया था, इसमें पूरा पानी हमने 2 tablespoons डाला हुआ है। तो आप ऐसे करके बेसन में थोड़ा पानी और डालेंगे, एक बार और हम इसको अच्छे से भुनेंगे। देखिए बिल्कुल कलर आ गया है हमारे बेसन में, और जो ये बूंद डालते हैं हम पानी का, उसमें जो जो बुलबुले से आ रहे हैं, वो जो देख रहे हैं आप, देखिए इस टाइप का जो बुलबुले आ रहे हैं, ये देखिए जब हम पानी डाल रहे हैं तो बिल्कुल उसमें से नीचे से हम सुन रहे हैं छन छन की आवाज़ आ रही है, और बहुत ही अच्छा दानेदार
हो रहा है। देखिए ये जो दाना है वो नॉर्मल बेसन में कभी नहीं आता है, इसी एक ट्रिक से आप इसको बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं दानेदार। अब हम इसको बंद कर देंगे, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, अब इसको हम कूल होने के लिए रख देंगे, एकदम कूल हो जाए। देखिए एकदम कूल हो चुका है, क्योंकि चीनी अगर गर्म में डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। ये बूरा है, आप सभी लोग मुझे लगता है बूरा जानते होंगे, इसको तगार भी कहते हैं आई थिंक। ये शुगर को मेल्ट करके कढ़ाई में डाल करके फिर इसको बनाते हैं, फिर ठंडा करके उसको हाथ से मसल के बनाते हैं, हम तो रेडीमेड लाते हैं इसको। अब ये इलायची का पाउडर डाल दिया हमने और थोड़े से नट्स, आपकी मर्जी, बट इसमें नट्स बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि बेसन का जो टेस्ट होता है और देसी घी का जो अरोमा होता है उसका कोई जवाब नहीं है, तो इसमें बहुत आपको ज़रूरत नहीं है कोई नट्स डालने के लिए। और देखिए हमारा लड्डू एकदम रेडी है, अब इसको लड्डू बना लीजिए और उसको सर्व करिए, इंजॉय करिए। लड्डू ऑलमोस्ट बना दिया है हाथ से, आप दोनों हाथों से उसको राउंड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक हाथ से बनाया है, फिर बाद में उसको मैं राउंड कर दूँगी, बट उसको गोल राउंड बना सकते हैं, स्मॉल पीसेस में, बड़े पीसेस में, जैसे भी चाहो आप उसको बना सकते हो। हमने एक मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। अब रियली ट्रूली स्पीकिंग बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस टाइप से लड्डू। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो रेशियो उसमें ऊपर और नीचे आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये लड्डू हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।